हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर थ्री आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली तीन पॉइंट एक से फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा चार खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है तो इस क्वेश्चन में हमें ये सारणी दी गई है और ये सारणी क्या है प्रत्येक खिलाड़ी ने चार खेलों में जो अंक प्राप्त किए हैं वो दर्शा रही है खिलाड़ी देखिए तीन है ए बी सी और खेल कितने हैं चार हैं एक दो तीन चार चार अलग अलग खेल हैं तो इस सारणी में इन तीनों खिलाड़ियों ने चारों खेलों में जो अंक प्राप्त किए हैं वो बताए गए हैं तो क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो फर्स्ट देखिए क्या पूछा गया है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उनका माध्य बताना है क्या होगा ठीक है तो अब देखिए ए ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनका माध्य कैसे निकालेंगे ए ने अलग अलग खेलों में जितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें जोड़ देंगे बटे में खेल कितने हैं एक दो तीन चार तो चार से भाग दे देंगे तो ए द्वारा अर्जित माध्य अंक अर्जित मतलब प्राप्त तो ए के द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या है मतलब माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के हमने क्या करा ए ने चारों खेलों में जो अंक प्राप्त किए थे उन्हें जोड़ दिया देखिए ए ने चारों खेलों में क्या अंक प्राप्त किए थे चौदह सोलह दस और दस तो इन चारों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और हमें उससे किससे भाग दे दिया चार से भाग दे दिया क्योंकि खेल कितने हैं एक दो तीन और चार खेल हैं तो अब इन्हें जोड़ लेंगे ऊपर इन चौदह जमा सोलह जमा दस जमा दस इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा पचास और बटे में चार आएगा अब देखिए पचास को हम चार से भाग देंगे तो देखिए चार एकम चार पाँच में से चार गए एक ऊपर से जीरो तारा चार धूनी आठ दस में से आठ गए दो अब देखिए दो जो है चार से भाग नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे दशमलव लगा के एक जीरो लगा देंगे तो फिर ये जीरो ऊपर आएगा और यहाँ भी दशमलव लग जाएगा ठीक है दशमलव यहाँ लगाया ना मैंने तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा अब ये कितने पे जाएगा चार पंजे बीस ठीक है तो क्या आया आंसर हमारा है बारह दशमलव पाँच तो ए द्वारा अर्जित माध्य अंक क्या है बारह दशमलव पांच ठीक है ये था फर्स्ट क्वेश्चन अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड पार्ट देखिए प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को तीन से भाग देंगे या चार से और बताइए क्यों देखिए सी द्वारा प्राप्त अंक खेल एक में उसने आठ अंक प्राप्त करें खेल दो में उसने ग्यारह अंक प्राप्त करें और खेल तीन उसने खेला ही नहीं है ठीक है और खेल चार में उसने तेरह अंक प्राप्त करें तब तो वो पूछ रहा है कि अगर सी के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य अंक निकालना हो आपने तो आप कुल अंकों को किससे भाग देंगे ये पूछा गया है तो देखिए हम कुल अंकों को किससे भाग देंगे चार से भाग देंगे क्यों क्योंकि खेल तो चार ही है ना भले ही उसने तीसरा खेल नहीं खेला पर टोटल खेल तो चार ही हैं अब जैसे हम ए के द्वारा अर्जित माध्य अंक निकाल रहे थे ठीक है तो हम कैसे कर रहे थे ए ने जितने अंक प्राप्त किए हैं टोटल ठीक है उसको हम किससे भाग दे रहे थे खेलों की संख्या कितनी है चार उसी से हम भाग दे रहे थे तो ऐसे ही जब हम सी द्वारा अर्जित माध्य अंक निकालेंगे तो हम किससे भाग देंगे चार से ही भाग देंगे क्योंकि खेल तो चार ही हैं भले ही उसने वो खेल तीसरा खेल नहीं खेला है अब देखिए सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम चार से भाग देंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हम खेलों की संख्या देख रहे हैं खेलों की संख्या क्या है चार है ठीक है तो हम चार से भाग देंगे अब देखिए सी द्वारा अर्जित माध्य अंक क्या होंगे क्या करेंगे सी ने चारों खेलों में जितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें जोड़ देंगे और भाग किससे दे देंगे चार से देखेंगे लिए देखिए सी ने क्या खेल क्या अंक प्राप्त करे हैं आठ ग्यारह और खेला नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने अंक Fields होंगे उसके जीरो होंगे और तेरह तो आठ जमा ग्यारह जमा जीरो जमा तेरह इन चारों अंकों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो आठ जमा ग्यारह तीसरा खेल उसने खेला नहीं था तो जीरो जमा तेरह ठीक है और किससे भाग दे रहे हैं हम इसे खेलों की संख्या कितनी है चार उससे भाग दे देंगे अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा बत्तीस और बटे में चार अब देखिए दोनों चार से कट जाएंगे चार एकम चार चार अट्ठे बत्तीस तो सी द्वारा अर्जित माध्य अंक क्या है आठ है ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है इसका अब देखिए बी ने सभी चार खेलों में भाग लिया है आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो जैसे हम ए और सी के अंकों का माध्य निकालते आए हैं वैसे ही इसका भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे बी ने चारों खेलों में कुल जितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें जोड़ देंगे कितने अंक प्राप्त किए हैं देखिए जीरो आठ छः और चार तो इन चारों अंकों को हम जोड़ देंगे ठीक है जीरो जमा आठ जमा छः जमा चार और किससे भाग दे देंगे खेलों की संख्या से खेलों की संख्या कितनी है एक दो तीन चार चार से हम भाग दे देंगे तो बी द्वारा अर्जित माते अंक पहले खेल में कितने अंक प्राप्त करे उसने जीरो दूसरे खेल में आठ जीरो जमा आठ जमा छः जमा चार तो चारों खेलों में उसने जो अंक प्राप्त करे थे उन्हें जोड़ देंगे और भाग किससे दे देंगे हम खेलों की संख्या से खेल कितने हैं चार चार से हम भाग दे देंगे अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना आएगा अट्ठारह आएगा और बटे में चार आएगा अब अट्ठारह को चार से भाग देंगे देखिए अठारह को चार से भाग देंगे चार चौके स चार पंजे बीस पाँच पे तो बड़ा हो रहा है तो किस पे जाएगा ये चार पे चार चौके सोलह आठ में से छः गए दो ठीक है अब दो को हम चार से भाग तो नहीं दे सकते हैं ठीक है तो क्या करेंगे दशमलव लगा के एक जीरो लेंगे और यहाँ भी क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा ऊपर से अब एक जीरो तारेंगे कितने पे जाएगा चार पंजे बीस तो क्या आ रहा है देख, भाग दे के चार दशमलव पाँच तो बी द्वारा अर्जित माध्य अंक कितने हैं चार दशमलव पाँच ठीक है अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या पूछा गया है फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है मतलब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है जिसके द्वारा अंक अधिक प्राप्त किए गए होंगे उसका ही प्रदर्शन अच्छा होगा ठीक है तो हम देख लेंगे तीनों में से किसके द्वारा माध्य अंक ज़्यादा प्राप्त किए गए हैं उसी का प्रदर्शन अच्छा होगा तो देखिए ए द्वारा अर्जित माध्य अंक कितने हैं बारह दशमलव पाँच सी द्वारा प्राप्त माध्य अंक कितने हैं आठ और बी द्वारा प्राप्त माध्य अंक कितने हैं चार दशमलव पाँच तो देखिए इनमें कौन बड़ा है बारह बड़ा है मतलब सबसे ज़्यादा माध्य अंक किसने प्राप्त किए हैं ए ने प्राप्त किए हैं बारह दशमलव पाँच तो इसका मतलब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा ए का तो एक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा ठीक है तो आज इस वीडियो में हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू